हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला दुनिया के कुछ अमेजिंग और मज़ेदार फैक्ट, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। इस दुनिया में इतनी तरह के सेब है कि हर दिन हम एक खाए तो 20 सालों में भी उनकी संख्या पूरी नहीं होगी। माना जाता है कि सेब की उत्पत्ति मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान की जंगल वाड़ियों में हुई थी। अगर आपको कहीं पर मच्छर काट जाए तो उस जगह पर केले का छिलका रगड़े दर्द तुरंत कम हो जाएगा। लगभग 51% केलों को सुबह के नाश्ते के तौर पर खा लिया जाता है। केलों के उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर है। अमेरिकी महाद्वीपों के लोगों को आम की जानकारी 18वीं सदी की शुरुआत में वहां आने वाले पुर्तगाली व्यापारियों से हुई थी। आम खाने से सेक्स इच्छा बढ़ती है क्योंकि उसमें विटामिन ई काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि सेक्स इच्छा को बढ़ाने वाला विटामिन है। यदि आप पाइनएप्पल का एक टुकड़ा मुंह में रखोगे तो आपको ये खाना शुरू कर देगा। जी, आपने सही सुना, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो मांस को घटाता है। पाइनएप्पल का ज्यादा सेवन करने से किडनी के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। एसिडिटी, इस समस्या से परेशान लोगों को अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। अनार के ठंडे तासीर की वजह से खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण पेट में सड़ने लगता है। चीकू में विटामिन ए और बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कैंसर के खतरे से बचाता है। चीकू के अत्यधिक सेवन से खांसी कफ जैसी समस्या हो सकती है। अंकुर को पोषक तत्व का घर माना जाता है, इसमें विटामिन सी, ए, के और बी2 होते हैं। अंकुर खाने के फायदे कई हैं, लेकिन इनका ज्यादा सेवन आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अमरूद के 3-4 पत्तों को चबाने से दांत के दर्द में आराम मिलता है, यह एक आयुर्वेदिक सुझाव है। अमरूद का ज्यादा खाने से आपके पेट में फूल भी सकता है, इसलिए यह बात भी याद रखिए। मौसमी फल में कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है और इस तरह से इसे वजन कम करने के लिए बेहद अच्छा फल माना जाता है, पर इसे कई नुकसान भी है। मौसमी जूस भरी आपको ताकत देता होगा, पर यह काफी खतरनाक भी हो सकता है। पपीता एक ऐसा फल है जो आपके कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। पाचन या भूख न लगने की समस्या से जूझ रहे लोगों को तो हर कोई पपीता खाने की सलाह ही देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।